भाई निशा का तो मूड खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। वजह बता दे जो भी है, मेरा भी मूड खराब कर दे, जल्दी बता। कुछ नहीं है, आज बाहर चला जा। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, होप सो ऑल यू आर डूइंग गुड। आज है भाई 29 मई और अभी मैं नहीं श्योर के भाई इस कमरे से ब्लॉग स्टार्ट करो, पता नहीं क्यों करो, बस मेरा यहाँ से मन करा करने का तो मैंने कर दिया। बाकी तो फिलहाल अभी ये यहाँ बैठ के पता नहीं क्या करने लग रही है, अपने नाखून वाखून साफ कर रही है और मैंने बोल भी दिया क्या करने लग रही है, वजह बता दी। एक्सक्यूज मी। हाँ जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। जब लगाने थे तो साफ क्यों किए? इतने दिन अच्छी नहीं लगती, तो शुरू में कैसे अच्छी लग रही थी? चल वैसे तेरी मर्जी, जो भी कर। तो मेरे भाई पूछा ही क्यों? और निशा ने भाई हमें एक बात कही थी दो तीन दिन पहले, तो अब उसका जवाब चाहिए मुझे। बट अब ये पढ़ रही है तो इसका जवाब लेते हैं, उस चीज का जवाब दे मेरा। तूने क्या कहा था दो दिन पहले? आप हम आ जाएंगे, चलते नहीं, आज संडे है, सारे मुकर जाते हैं टाइम पे। भाई कॉल किया एड वाली, आज तो पढ़ाई चल रही है, कुछ बात थप्पड़ वप्पड़ पड़े होंगे आज घर पे, है ना? देख तो अभी जवाब नहीं दे रही, आज इसका मूड अच्छा नहीं है। चलो चलते हम, तो बेचारी को थप्पड़े पड़े आज। तो भाई निशा का तो मूड खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों थप्पड़ वप्पड़ पड़े होंगे इसको आज, बेचारी पिट के आज पढ़ने लग रही है। और इसको देखो ये अभी तक इसके नाखून साफ नहीं है, क्या बात है तेरी, है 4 दिन लगाएगी नाखून साफ करने में। और भाई धूप में ना ये पौधों का कलर बहुत ही मस्त लगता है, धूप में भाई सारे पौधे बहुत बढ़िया लगते हैं। देखो नीचे भी भाई, मतलब कि आगे हमने पूरा पौधों सजा रखा पूरा। हमें क्यों बता रहा है, तेरा घर तेरे पौधे। दिख रही है नहीं दिख रही, कहाँ गई? इधर से दिखेगी, जाओ मैं दिख जा। चले चलते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सी यू, टाटा टाटा सॉल्ट नमक, बाय 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 तो कर दे, हैं जोर से बोलो, जय माता दी, बाय बाय। भाई मैं घूम फिर के वापस से भाई नी के घर पे आ चुका हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करने लग गया था एंड थोड़ा काम से गया था कहीं पार। तो ये अभी अचानक से हवा शुरू होगी, पता नहीं कैसे, मतलब अभी तो बिल्कुल थोड़ी देर पहले हवा ही नहीं थी, अब जाके पता नहीं कहाँ से भाई अचानक से हवा ही शुरू होगी एकदम से भाई, ठंडी ठंडी। और इन्होंने अपने हाथ दिखाओ, कर लिया इसका कार्यक्रम, कार्यक्रम समाप्त। और इनको कौन काटेगा, मैं ऐसे ऐसे दांत से करके काटूंगा ऐसे करके। निशा कहाँ हो तुम? अब ये पढ़ के उठ चुकी है। अच्छा ये बैठी है तो क्या बोल रही, क्यों मूड खराब है क्या तेरा? वजह तो बता दे, मैं चला जाऊंगा, वजह बता दे जो भी है। बस मूड खराब है। वजह तो होगी कोई, ऐसे थोड़ी अपने आप किसी का मूड खराब होता है यार, मेरा भी मूड खराब कर रही, जल्दी बता बता दे यार। कुछ नहीं है, मान जो बाहर चला जा। ओ पक्का, चलो भाई यार चलते हैं। क्या हुआ उसको, क्या हुआ उसको? वो लड़का नहीं मरा था? अच्छा ओहो, कल तो नहीं थी, आज कैसे होगी अचानक से ही? तो भाई आपने वजह तो सुनी ली होगी यीशु के मुंह से, जो इसने बताया भाई किस लिए उदास है वो। तो कोई नहीं, आप थोड़े दिन उसके पास नहीं जाएंगे, इसके पास आएंगे थोड़े दिन, तो आ जाना। आ जाएंगे कोई नहीं, तू तो उदास नहीं है ना, तू भी मत हो जाएगा उदास, मेरा काम खराब हो जाएगा सारा। लेकिन कौन सा काम? उनके 7 बच्चों के, और भाई मैं अकेला ही अपनी छत पे घूम रहा हूँ, और भाई हमारे यहाँ पे देखो पतंग वतंग उड़ना शुरू हो गई है सारी, तो थोड़े दिन में भाई हम भी लाओ आगे पतंग उड़ाएंगे। फिलहाल पहले तो मैं सुमित को बुला के लाता हूँ ऊपर। तो भी मैंने तो अकेला सुमित को बुलाया था, और ये हमारे सरपंच साहब भी आ गए, आज इनकी रैली थी केजरीवाल जी की आज हरियाणा में, तो उनकी टीम में खड़े हुए हैं ये हमारे नेता साहब। गोली क्या बदतमीजी है, क्या कर रहा तू? फोटो नहीं, फोटो, इसने सोचा मैं फोटो खींचूंगा बट मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसका। ऐसा सीन भाई मुझे मस्त लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो फोटो शूट करने जहाँ मिले वहाँ भगवान इनको छोड़े नहीं है, इसके यहाँ फोटो शूट हर जगह। बस कर दे यार, फोन में उंगली क्यों डाल रहा है, मेरी मर्जी, चला जाए यहाँ से, दिख मत जाइयो अब, समझ गया? करो ले अपने जहाँ तक कोई चेक पोस्ट मिले ना, नाम ले दे मेरा। हाँ चेक पोस्ट पे सुमित का नाम ले दियो, तेरे को छोड़ देंगे, जा 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 भाई नीचे, अपने घर जाने में घबरा रहा है अकेला, पता नहीं क्या। सैड सैड पर्सन खड़े नीचे, तेरे को नहीं जा रहा, इसको कह रहा हूँ। भाई बन गया, ज्यादा कहीं बाहर जा नहीं पाया, क्योंकि मैंने बताया ना भाई किसी का मूड खराब हो रखा है, तो ज्यादा कहीं बाहर जा नहीं पाया हम तो। और भाई मेरे पापा भी घर पे आ गए, इसलिए भाई आज मैंने सुबह से ज्यादा व्लॉग नहीं किया, अभी अभी स्टार्ट किया शाम को। उधर पापा आए, उधर को अपने पापा को दिखाना चाहिए। नहीं दिखा सकता ना, तेरे को पता तो है यार, डांट पड़ती है, क्यों दिखाऊं मैं फिर? नहीं दिखा सकता भाई, तुम्हें भी पता है, इसे भी पता है, सबको पता है यहाँ पे, बस मेरे पापा को नहीं पता कि भाई मैं व्लॉग बनाता हूँ या नहीं। अरे तो हम बता देंगे। अभी भाई हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा मौसम की वाइब्स ले रहे हैं, और सामने देखो भाई पीला बादल हो चुका है, यानी कि बारिश का अंदेशा आने लग गया है। और फिर भी कुछ लोग सैड हैं, जैसे कि ये
देखो कैसे मुंह बना रही है। मुंह हो रहा है, मुंह में क्या होता है? मुंह में तो दांत ही होते हैं शायद। ओए होए बेचारी का मुंह देखो कितना सैड है, और ये भी सैड है, मेरे को तो लगता है ऐसे ही बैठा देख नाखून चबा रहा है। सारे ही सैड है भाई, घर में सिर्फ मैं ही। ओए चुन्नी चाक गिल्ली हो रही हो। मैंने घेरी है चुन्नी, घेर के यहाँ पे मिट्टी में देख गिल्ली कर दी सारी। हाँ बताएगी बेटे तेरे को, सारे लोग बताए तेरे को। रुक जा तू, रुक जा तू। हाँ भाई पतंग, ओ भाई पतंग आ गया अपनी छत पे। जा 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 जल्दी ले सब काम अचानक से। अरे जा रे, खींच ले खींच ले, खींचना गिर मत जाइयो। खींच ले खींच ले खींच ले खींच ले खींच ले, खींच 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 खींच। साफ बस अब पतंग दे दे हमारी। ये तो चीटिंग है। ओ आ गया ना, मैं फोड़ूंगा पतंग दे दे। ये क्या हुआ? अब भी टूट गई आज तो भाई सारों की। देखियो भाई बताता हूँ मैं, निशा कम तोड़ दी भाई साहब कुर्सी। अब तू भी बैठ रही है, तू भी तोड़ेगी। चलो कुर्सी पे बैठ के आनंद सा लेते हैं थोड़ा बहुत नाटक कर। ओह माय गॉड, ये तो कुर्सी टूटी हुई है गाइस, मुझे पता नहीं था। तो तू हंस क्यों रहा था? पता इसके कारण बोल रहा है। पता था मुझे, तेरी एक्टिंग कर रहा था मैं। इस बच्चे के कारण सारे नुकसान कर देता है, बताऊं अब? बता चल क्या बताएगा आया बड़ा। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 9, और भाई अभी तुम्हारे भाई का कुछ भी एडिटिंग वेडिंग कंप्लीट नहीं है, थोड़ी बहुत ही हुई है, बाकी तो फिलहाल ज्यादा बात नहीं करते हैं भाई। अभी इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और ज्यादा कुछ नहीं दिखाया बाद मैंने घर में ही अपने पूरे व्लॉग के, बिकॉज आज भाई मैंने बताया ना निशा का मूड खराब हो रखा था। वैसे हमारा पूरा प्लान बना हुआ था भाई जाने का, बट क्या ही करें भाई, एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो कोई नहीं आगे देख लेंगे कभी। बाकी तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक मारना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना है। आज सुबह मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। Say you're sorry.